Hi viewers, welcome back to our YouTube channel Zaika India का. आज हम बनाने वाले हैं दिल्ली की फेमस चिकन चंगेजी. तो चलिए शुरू करते हैं. चिकन चंगेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन तैयार करेंगे. मैरिनेशन के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो चिकन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून नींबू का रस. इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम चिकन में ऐड करेंगे और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे. यहाँ पर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है. अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे. हमने चिकन को मैरिनेशन के लिए रख दिया है. अब हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे. ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, 5 मीडियम साइज़ से कटे हुए टमाटर, 4 टेबलस्पून मलाई, आप मलाई की जगह फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 15 काजू, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 टीस्पून भुनी हुई कस्तूरी मेथी, 5 लौंग, 4 इलायची, 100 ml दूध, 100 ग्राम दही, 2 छोटी हरी मिर्च, रेड फूड कलर. यहाँ पर हमने पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है. इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज और कटी हुई हरी मिर्च. यहाँ पर प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुकी है. अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और कटे हुए टमाटर. इसी के साथ हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे. यहाँ पर प्याज और टमाटर को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी है. इसी के साथ हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे. यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर को एक प्लेट में निकाल लिया है. अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे. यहाँ पर हमने एक पैन में 4 टेबलस्पून तेल ले लिया है. इसी के साथ हम इसमें इलायची और लौंग ऐड कर देंगे. यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है क्योंकि अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे और फूड कलर ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए और हमारा तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए. यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून फूड कलर ऐड किया था. इसी के साथ अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे. यहाँ पर चिकन के पीसेस ऐड कर लिए हैं. इसी के साथ हम फूड कलर को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे. यहाँ पर हमने चिकन को फूड कलर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है. अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए. इसी के साथ हम इसे ढक देंगे. यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर चिकन को फ्राई होते हुए 15 मिनट हो चुकी है लेकिन अभी भी इसका पानी नहीं सूखा है, इसलिए हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे. इसी के साथ चिकन के पीसेस को पलट देंगे ताकि हमारे चिकन के पीसेस दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए. यहाँ पर हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है. अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चिकन को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे. यहाँ पर हमने फ्राई की हुई चिकन को एक प्लेट में निकाल लिया है. यहाँ पर हमने पैन को फिर से गरम कर लिया है. आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ऑयल अभी भी है. इसी के साथ हमने जो इलायची और लौंग ऐड की थी वो भी पैन में ही है.
अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर अदरक और लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए 3 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ हमने इसमें 1/4 कप पानी भी ऐड किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इन मसालों को अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पर हमारे सूखे मसालों को तेल में भूनते हुए 5 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने दही के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। इसमें हम पहले थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बाकी का दूध ऐड कर देंगे, इसे फिर से मिक्स कर लेंगे और दूध में उबाल आने देंगे। यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर को ठंडा करके उनका पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे मसालों में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें 1/4 कप पानी भी ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को लो करके इन्हें थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला और भुनी हुई कस्तूरी मेथी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे मलाई। आप यहाँ पर मलाई की जगह फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई को मिक्स करने के बाद हम इसमें तुरंत ही चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। और चिकन को इन मसालों के साथ अच्छे से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। यहाँ पर हमारे चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे। चिकन में स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए हम इसके सेंटर में एक गरम कोयला रख के इस पर 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और इसे ढक कर 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इसमें से कोयला निकाल देंगे और हमारा चिकन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर खाने के लिए तैयार है दिल्ली की फेमस चिकन चंगेज़ी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।